ओके, वी आर लाइव नाउ, सो सॉरी फॉर द डिले, बहुत ही नेटवर्क इशू आ रहा था एंड बहुत ये जो आउटर है जियो का ये बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, अब जाके थोड़ा सही हुआ है तो नेट आया है। ठीक है, चलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके नंबर वन चैनल डिकोड नीट पर। ठीक है, चलिए, तो आज हम अपना बच्चा कुछ एनिमल किंगडम खत्म करेंगे। सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी। बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और पिछले 9 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, 9 से 12 तक के बच्चों को। नीट यूजी कैटेगरी में बायोलॉजी एजुकेटर हूँ, पर इससे पहले मैं फाउंडेशन कैटेगरी में भी अपने कोर्सेज दे चुकी हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन करें डिकोड नीट से, सारे सेशंस एंड लिंक्स के लिए, अपडेशंस के लिए आप डिकोड नीट चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अभी के अभी सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और चैनल का नाम क्या है? डिकोड नीट। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ प्लस पे जुड़ने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन में अभी के अभी इंस्टॉल करिए। जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करेंगे, आप नीट यूजी कैटेगरी में जाइए। नीट यूजी कैटेगरी मत, आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन पेड सब्सक्रिप्शंस हैं, हेलो यश, जिससे कि आप बहुत इजीली प्लस के कोर्सेज को अनलॉक कर सकते हैं। प्लस पे ये बेनिफिट है, हर चीज़, जैसे एनसीईआरटी का कोर्स स्टार्ट किया, लाइन टू लाइन आपको वो चीज़ मिलेगी, लाइन टू लाइन कवरेज होगा एनसीईआरटी का, आपको हर चीज़ नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, आप जो चाहे डाउट जब चाहे पूछ सकते हैं। ये बेनिफिट्स होते हैं प्लस के। तो यू वेरी वेल नो बच्चों की सब्सक्रिप्शंस आपको ऐप पे जाके लेने, अभी देखिए ऑफर्स भी चल रहे हैं, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का फ्री है, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का फ्री है। ठीक है, MB10 क्या करना है आपको? नीट यूजी कैटेगरी में जाके जो भी बेस्ट सब्सक्रिप्शन है उसको चुन लीजिए और MB10 कोड लगा दीजिए, 10%, 1 मिनट, सो सॉरी, डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो 34,650 का पड़ा। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, वो 56,000 का है, तो आप MB10 कोड लगा दीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 50,400 का रहेगा। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस से भी ज़्यादा अच्छा होता है, वहाँ पर स्टडी प्लानर और स्टडी मटेरियल और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ बच्चों हम लोग आज एनिमल किंगडम का क्विक रिवीजन कर रहे हैं 2021 के बेसिस पर, तो ये एनिमल किंगडम आज हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, वी विल कवर, 1 सेकेंड, देखो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली थी एनिमल किंगडम में। हम लोगों ने एनिमल किंगडम में, हमें लास्ट टू लास्ट बस अब कॉर्डेटा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वी आर गोइंग टू डील विथ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के मैंने आपको फीचर्स बता दिए थे। ऑब्वियसली अगर हम लोग कंसिडर करें तो जो कॉर्डेटा होते हैं वो नॉन कॉर्डेटा से ज़्यादा डेवलप्ड एंड क्या कह सकते हैं हम लोग, ज़्यादा इवोल्यूटेड हैं। ठीक है, मोर एवोल्यूटेड, मोर डेवलप्ड। ठीक है, मोर एवोल्यूटेड, मोर डेवलप्ड, हेलो स्मृति। तो कॉर्डेट के फीचर्स मैंने आपको बताए थे कि इनके पास डॉर्सली रनिंग एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है,
फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, और उसके बाद और क्या क्या फीचर्स है, नहीं है फीचर्स, नहीं तो डिफरेंसेस आ गए. देन यू हैव नर्व कॉर्ड आ गया. यहाँ पर आपके पास जो हार्ट है वो आगे की तरफ लोकेटेड है, वेंट्रल, ठीक है. अब देखो कॉर्डेटा भी क्या है बच्चों, कि तीन तरीके के सब फाइलम्स हैं, ठीक है. देखो पहला आएगा यूरोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा मतलब कॉर्डेटा है, मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लेकिन सिर्फ टेल वाले हिस्से में है, सिर्फ टेल वाले हिस्से में नोटोकॉर्ड है, ठीक है ना. सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में क्या है, सर से लेकर पैर तक टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड रहती है, ठीक है. एक्स्ट्रा पार्ट आप दे सकते हो कि भाई बॉडी यहाँ पर मरीन है, यहाँ पर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, सेक्सेस सेपरेट है. एग्जाम्पल मेनली जो क्वेश्चन एंड फोकस आता है वो आपके वर्टिब्रेटा पे आता है. वर्टिब्रेटा क्या कहता है, वर्टिब्रेटा ये कहता है कि एम्ब्रियो स्टेज में आपके पास नोटोकॉर्ड है, एंड नोटोकॉर्ड फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिबल कॉलम में. किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिबल कॉलम में, ठीक है, और जिंदगी भर वर्टिबल कॉलम ही रहेगी. अब आपका जो वर्टिब्रेटा है उसकी भी क्लासेस हैं, देखिए किस किस तरीके से क्लासेस हैं. अगर आप गौर से देखें इसको वर्टिब्रेटा को, तो ये है एग्नेथा. वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू टू फर्दर डिविजन्स, टू फर्दर ग्रुप्स, एग्नेथा नाथोस्टोमेटा, एग्नेथा नाथोस्टोमेटा. इज इट क्लियर. तो एग्नेथा मतलब ए है, ए एब्सेंट है, विदाउट जॉस, ठीक है, विथ जॉस, ठीक है. तो अब विथ जॉस मतलब सुपर क्लास में आ गए आप, पिस्सीज, कॉन्ड्रिक्थाइस, कार्टिलेजिनस फिशेस. बोनी फिशेस, ठीक है, क्लास एम्फीबिया, रेप्टीलिया एंड एव्स मेमिलिया, ठीक है. मुझे लगता है सेशन ना जल्दी हो जाएगा. तो एग्नेथा मतलब कि आपके पास जॉलेस ऑर्गेनिजम्स हैं, जॉज ही नहीं है, मतलब जो एक जबड़ा होता है, जो एक बोनी सॉकेट होता है वो नहीं है. तो ये क्या होते हैं, ऑल आर एक्टोपैरासाइट. जैसे कोई फिश है ना, ये फिश की बॉडी है, ठीक है, तो ये इनके पास जॉज नहीं होंगे, तो ये क्या होंगे, दूसरे फिश पे क्या होंगे, एक्टोपैरासाइट होंगे. बॉडी कैसी होती है, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड, ठीक है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ये सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, ये आगे की तरफ जो मुंह है वो बिल्कुल सर्कुलर है, ठीक है. No scales and paired fins, cartilaginous cranium and vertebral column, ठीक है. कौन कौन है, ठीक है, ठीक है. सर्क्यूलेशन क्लोज टाइप, ब्लड वेसल से फ्लो होगा. अब ये होते तो मरीन है, मतलब खारे पानी में रह सकते हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर में भी बहुत इजीली जा सकते हैं.
ठीक है। कभी कभार आफ्टर स्वैनिंग, स्पैनिंग का मतलब होता है कि जैसे इन्होंने अंडे दे दिए तो उसके बाद ये मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है, जैसे ये फ्रेश वाटर, जैसे ये खारे पानी में है, अब ये खारे पानी से फ्रेश वाटर में चले गए, तो अगर ये फ्रेश वाटर में चले गए तो फ्रेश वाटर में जाने के बाद ये अंडे देंगे, अंडों के बाद लार्वा बनेगा और लार्वा फिर प्रॉपर एडल्ट बनकर ओशन में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। पिसीस, फिशेस, कॉन्ड्रेगिथाइस, मरीन, हिटरोसर्कल काउडल फिन। हिटरोसर्कल काउडल फिन का मतलब ये होता है कि यहां पर तो एक फिन हो गया और दूसरा फिन ये हो गया, ठीक है। तो हिटरोसर्कल है मतलब जो सर्कल है वो प्रॉपर नहीं बन रहा है, और फिन्स भी क्या है, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग पोजीशन पे सेट हैं। गिल स्लिट्स विदाउट ओपरक्यूलम, गिल्स हैं पर उनके ऊपर ओपरक्यूलम की कवरिंग नहीं है। स्किन विद प्लेकोइड स्केल्स, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, नो एयर ब्लैडर, इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता है इसलिए कॉन्स्टेंटली स्विम करती रहती हैं, क्योंकि अगर इनमें ब्योवेंसी मेंटेन नहीं होगी, एयर ब्लैडर नहीं होगा तो क्या होगा, ये स्विम नहीं कर पाएंगे और ये बहुत इजीली सिंक हो जाएंगे। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फिश अलग दिखेगी, फीमेल अलग दिखेगी। मेल के फिश में क्लेस्पर्स होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल से कॉन्टैक्ट करेगा और अपने स्पर्म उसको दे देगा। मोस्ट ऑफ देम वीवी पैरल्स होते हैं, डायरेक्टली यंग वन लिंग, जैसे स्कॉलियोडॉन, प्रिस्टिस, कारकेराडॉन, ट्राइगॉन, टॉरपेडो, ठीक है। ऑस्टिकिथाइस, ऑस्टिकिथाइस मतलब बोनी फिशेज हैं, जो इनका एंडोस्केलेटन है वो कम्प्लीटली बोन्स का बना हुआ है। मरीन एंड फ्रेश वाटर, खारे पानी में भी रह सकती हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकती हैं। होमोसर्कल काउडल फिन, होमोसर्कल काउडल फिन मतलब ये बिल्कुल बराबर फिन है, जो सर्कल बनेगा वो बिल्कुल प्रॉपर सर्कमफेरेंस पे बनेगा। बोनी एंडोस्केलेटन, टर्मिनल माउथ, गिल्स क्या है, चार पेयर है, एक, दो, तीन, चार, किससे कवर्ड है, ऑपरक्यूलम से, ठीक है। साइक्लोइड, निटोइड एंड गेनोइड स्केल्स, एयर ब्लैडर फॉर ब्योवेंसी। एयर ब्लैडर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सैक और बैक की तरह स्ट्रक्चर होगा जो खाली होगा, जिसके अंदर एयर भरी हुई होगी, तो वो फिश को क्या कर रहा है, एक फ्लोटिंग प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है। भाई बॉल के अंदर आप एयर भर दोगे तो वो बहुत इजीली पानी के ऊपर स्विम करती रहेगी, लेकिन अगर निकाल दोगे तो वो डूब जाएगी। तो कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर ब्लैडर नहीं है, इसलिए इन्हें कंटिन्यूस स्विम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इनके पास एयर ब्लैडर है तो ये बड़ी इजीली अपना जो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी है पानी के ऊपर उसको मेंटेन कर लेते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ठीक है, मतलब जो मेल बोनी फिश है उसने अपना स्पर्म पानी में छोड़ा और फीमेल बोनी फिश ने भी अपना स्पर्म पानी में छोड़ा, फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजर। डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट है, एग लेइंग है, मतलब एग लेइंग के बाद डायरेक्ट एडल्ट निकलेगा, यहां पर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आएगी। मरीन, फ्रेश वाटर, एक्वेरियम, एग्जाम्पल में एक्सोसीटस, एक्सोसीटस, हिप्पोकैम्पस, सार्डिन, मैकरल, टूना, रेमोरा, पॉम्फ्रेट, साइपियम, लेबियो, काटला, क्लेरियस, टिलापिया, एनाबस, बीटा फिश, टेरोफाइलम। ठीक है, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा मतलब बियर लिम्स, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स, क्लास मेमेलिया, ठीक है, क्लास मेमेलिया। उसके बाद
ठीक है। एम्फीबिया, एम्फीबिया क्या है, ये आप कह सकते हैं कि ड्यूअल टाइप के ऑर्गेनिज्म है, ये पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं और धरती पर भी। तो एक्वेटिक लार्वल फॉर्म एंड टेरेस्ट्रियल एडल्ट फॉर्म, मतलब जैसे पानी के अंदर इनका लार्वा फॉर्म आ जाता है और एडल्ट टेरेस्ट्रियल पे आएगा। फॉर ब्रीडिंग दे स्टिल रिक्वायर वाटरी एनवायरमेंट, मतलब कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ से अगर आप रिलेट करोगे तो एक्सटर्नली होगा। पेंटाडेक्टाइल लिम्स, ये जो लिम है इनमें ऐसे पांच नाखून होते, 1, 2, 3, 4, 5। मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल, अगर ये टेरेस्ट्रियल एरिया में है और बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो स्किन के बाहर एक मॉइस्ट क्यूटिकल भी होनी चाहिए। पर इनकी बॉडी में फिशेस की तरह स्केल्स नहीं होते हैं। अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, ये ईयर है, ये टिम्पैनम रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर है, यू नो यूरिनरी सिस्टम प्रॉपर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर है, ठीक है। रेस्पिरेशन अगर पानी के अंदर है लार्वल स्टेज तो गिल्स से होगा और लंग्स के थ्रू होगा। तो अगर गिल्स के थ्रू होगा तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और लंग्स के थ्रू होगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। थ्री चेम्बर्ड हार्ट है ये, थ्री चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। पॉइकिलोथर्म्स, पॉइकिलोथर्म्स का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। बाहर का जैसा भी टेम्परेचर होगा ये बिल्कुल अपनी बॉडी का टेम्परेचर वैसे कर लेंगे, पर अगर बाहर बहुत ही ज्यादा अनवांटेड टेम्परेचर हुआ तो फिर ये अपने आप को माइग्रेट या सस्पेंड भी कर सकते हैं। सेक्सेस सेपरेट है, मेल एम्फीबियन फीमेल एम्फीबियन आपको क्लियर दिखेगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आपको नजर आएगी, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पानी में होगा, ये ओवीपैरस है, एग लेइंग है और इनके पास भी लार्वल स्टेज दिखेगी, जैसे ब्यूफो, राना टिग्रीना फ्रॉग, हाइला, सालामेंडरा, इक्थायोफिस, एम्बिस्टोमा एंड रेकोफोरस। रेप्टीलिया, अब ये प्रॉपर टेरेस्ट्रियल में बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं लेकिन कुछ कुछ अभी भी पानी में देखे गए हैं। ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, भाई जैसे ये आपकी स्किन है तो स्किन के ऊपर क्या होता है, कैरेटिन होता है, नॉन एक नॉन लिविंग यू नो स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी पर भी होता है, वाटरप्रूफ होता है। स्केल्स और क्यूट, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल एज स्किन कास्ट, ठीक है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट एयर, लिम्स दो पेयर के होते हैं, ऊपर दो नीचे दो। थ्री चेम्बर्ड हार्ट, पर जो तीसरा चेम्बर है वो पार्शियली सेपरेटेड है। ये पार्शियली सेपरेटेड, सिर्फ क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर है। पॉइकिलोथर्म कोल्ड ब्लडेड, फर्टिलाइजेशन इंटरनल क्योंकि पानी में मैक्सिमम नहीं रह रहे हैं, ओवीपैरस, एगलिंग, डेवलपमेंट डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज, ठीक है। रेप्टीलिया एग्जाम्पल्स, चिलोन टर्टल, टेस्टुडो टॉर्टोइज, चेमिलियन लिजर्ट, कैलॉट्स गार्डन लिजर्ट, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर ग्रेवियलिस, हेमीडेक्टिलिस फिनोडॉन ड्रैको, फ्रेनोसोमा, पॉइजनस स्नेक, नॉन पॉइजनस स्नेक, एव्स, एव्स मतलब
बर्ड्स, पक्षी, ठीक है, जिनके पास क्या हैं, फेदर्स हैं, बीक्स हैं, और आगे के जो फोर लिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं. जो हाइंड लिम्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, एंड दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्परिंग ट्री ब्रांचेस. स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल. स्किन के ऊपर किसी भी तरीके की और कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं देखी जाती है, ना ही कोई मॉइस्ट क्यूटिकल देखा जाता है, ना ही स्किन ड्राई एंड कॉर्निफाइड होती है, और ना ही इसके पास कोई यू नो अदर किसी चीज की कोई ऑयली ग्लैंड होता है. सिर्फ जो टेल का बेस है वहां पर ऑयल ग्लैंड होता है. लॉन्ग बोन्स आर होलो एंड न्यूमैटिक. जो बोन्स हैं वो क्या है, लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग है मतलब लॉन्ग है, और उनमें एयर स्पेसेस हैं. एयर स्पेसेस होने के कारण क्या होता है, उनकी बॉडी हल्की हो जाती है और ये बड़ी इजीली क्या करते हैं, उड़ सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विथ एडिशनल चैम्बर्स द क्रॉप एंड गिजर्ट. हार्ट इज कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड. बस जो एरोटा है वो राइट साइड में खुलेगा. वार्म ब्लडेड है, होमियोथर्मस. बाहर का कैसा भी टेम्परेचर हो, इनका हमेशा प्रॉपरली एक क्या कह सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर होगा. फनी, हेलो, डबल रेस्पिरेशन, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग, नो यूरिनरी ब्लैडर, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओवीपैरस, एगलिंग. बर्ड्स के तो अंडे आपने अपने घरों में भी देखे होंगे. डेवलपमेंट डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज. कॉर्वस, कोलंबा, पेसिटिक्यूला, ट्रुथियो, फैवो, गलस, ब्यूबो. मेमेलिया, जिसमें हम लोग आते हैं. मेमेलिया को मेमेलिया क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं. उनके पास दो पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, ठीक है, जो वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग में हेल्प होते हैं. स्किन के ऊपर हेयर होते हैं जो कि तरीके से बॉडी की कूलिंग को भी मेंटेन करते हैं और प्रोटेक्शन भी देते हैं. एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होगा, यहाँ पर आपको एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर तीनों दिखेंगे. दांत कैसे हैं, हेटरोडोंट, डिफरेंट टाइप के, थीकोडोंट, बोनी सॉकेट में एम्बेडेड, डाइफ्यूडोंट दो बार आते हैं. कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड हार्ट. एरोटा कहाँ है, लेफ्ट साइड खुलेगा. होमियोथर्म्स, वार्म ब्लडेड. रेस्पिरेशन बाय लंग्स. ठीक है, सेक्सेस क्या है, सेपरेट है. सेक्सेस सेपरेट का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, वीवी पेरस है, यंग वन लिंग. डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, नो लार्वल स्टेज. कोई अब तो सेंस ही नहीं है ना, जब हम लोग बनी गए वीवी पेरस. ऑर्निकथायस, मैक्रोपस, टेरोपस, कैमिलस, मैकेका, रेटस, कैनिस, फेलिस, एलिफस, एक्वस, डेल्फिनस, बेलियोप्टेरा, पैंथेरा टिग्रिस. ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर. सो दिस कंप्लीट्स योर टुडेज चैप्टर स्टूडेंट्स. ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो.
स्टूडेंट्स, अगेन मैं कहूँगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके ज़रूर लीजिए प्लस का सब्सक्रिप्शन, साल दो साल का बेस्ट होता है। रेफरल कोड में आप मेरा कोड लगा सकते हैं MB10, ठीक है। और ऐप पर कुछ सारी नई स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जो फ्री क्लासेस होती हैं, ठीक है। टेलीग्राम डीकोड नीट से ज्वाइन करिए, रोज रात में स्केड्यूल डल जाता है, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और सेशन को लाइक एंड शेयर के चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कल मिलते हैं। कल में हो सकता है कल या परसों से एक और NCERT मगअप सीरीज स्टार्ट करूं, जिसमें हम लोग NCERT की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे एंड कहीं ना कहीं हम लोग जो आगे मेनली वो चैप्टर डिस्कस करेंगे जो बच्चों के नवंबर टर्म वन में आ रहे हैं बोर्ड्स के, ठीक है बच्चों। चलिए तो टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिए, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्लस का सब्सक्रिप्शन एनी टाइम, मेरा कोड मत भूलिए MB10। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और ये जो मॉर्निंग 11 बजे वाला सेशन है नीट परफेक्शन फॉर 2021, ये तो अभी चलता ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।